हाय गाइस, मैं हूँ राखी। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल LACT राखी रसोई में। आज मैं बहुत टेस्टी स्वादिष्ट सब्जी आज आप लोग को बना के दिखाऊंगी, आलू गोभी की सूखी सब्जी जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप लोग इसके साथ में रोटी पूरी पराठा किसी भी चीज़ के साथ में खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो आप लोग को ये रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करें, अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ में मेरे चैनल के लिंक को शेयर करें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और रोज़ आप लोग को इस चैनल पे नई नई रेसिपी मिलेगी, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बनाते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी। बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है 10 करीब आलू है, 2 प्याज है, 1 गोभी का फूल है। तो अभी इन सभी चीज़ों को मैं काट के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से मैंने काट लिया आलू को, मैंने लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। और आज आलू को बिल्कुल भी छिलके नहीं बनाऊंगी, ये नई आलू है तो ये छिलके के साथ बना के दिखाऊंगी। ये बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट लगती है इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे आलू गोभी को। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से काट लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने 10-15 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ले लिया है, 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 5-6 हरी मिर्च ले ली है। अभी सभी चीज़ों को मैं कूट लेती हूँ। तो एक देखिए, यहाँ पर मामदस्ते में मैं डाल दूंगी यहाँ पे लहसुन अदरक हरी मिर्च को। मिर्ची को मैं छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मैं कूट लूंगी। इस तरीके से सब्ज़ी बनाने से जो है ना बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप चाहे तो ग्राइंड कर ले मिक्सी जार में। और यहाँ पे कूटने के बाद दिखाते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छे से जो है मैंने कूट लिया है। अब मैं तड़के के लिए दिखा देती हूँ कि तड़के के लिए अब मैं क्या लेती हूँ। तो यहाँ पर तड़के के लिए मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, 4-5 यहाँ पे सूखी लाल मिर्च लिया है, 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने हींग लिया है। और सब्ज़ी में हींग बहुत ही अच्छी लगती है, इस सब्ज़ी में ज़रूर आप लोग यूज करें। और यहाँ पे कढ़ाई को मैंने रख दिया है, चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए गैस फ्लेम पर। उसके बाद इसमें मैं 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैं ऑयल डाल दूँगी, मस्टर्ड ऑयल। और डालने के बाद यहाँ पर जीरा, हींग और सूखी लाल मिर्च डाल करके इसको अच्छे से चटकने दूँगी। अच्छे से चटकने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो मैं प्याज की कट के रखी हूँ। तो ये कटा हुआ प्याज अब मैं इसमें डाल दूंगी। अब थोड़ा सा मैं इसको सुनहरा कर लूंगी। सुनहरा होने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू। आलू को देखिए मैंने कुछ इस तरीके से काटा है लंबे लंबे पीसेस में, और छिलका मैंने बिल्कुल भी नहीं हटाया है। छिलका जो है बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और यहाँ पे मैंने आलू गोभी दोनों चीज़ को ऐड कर दूंगी। और ऐड करने के बाद यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो गोभी का देखिए, गोभी को मैंने अच्छे से मैंने काट लिया है, छोटा भी पीसेस नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज़ के मैंने रखा है। तो दोनों चीज़ों को मैं डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हाई फ्लेम पर मिक्स करती रहूँगी। हाई फ्लेम रखें इस टाइम। और इस टाइप की सूखी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती गाइस, ज़रूर आप लोग भी घर में बनाएँ, अपने बच्चे को, अपने परिवार को, सभी को खिलाएं इस तरीके की सब्ज़ी। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार इस तरीके की सब्ज़ी बनाकर खाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको ढक करके इसको मीडियम फ्लेम पे भून लूँगी। और ये देखिए 5 मिनट हो चुका है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाले में मैंने बहुत ही बेसिक मसाले लिए हैं जो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून यहाँ पे ले रही हूँ मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे ले रही हूँ धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। और सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्लेम को यहाँ पर लो रखूँगी, मसाले डालते टाइम हमेशा फ्लेम को लो रखें। लो रखने से जो है मसाले जलता नहीं है, बहुत अच्छे से भुनता है। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी, इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत टेस्टी लगती इस तरीके की सब्ज़ी जो बनती है, तो बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून यहाँ पे जीरा पाउडर ले रही हूँ, भुना हुआ जीरा पाउडर ले रही हूँ। छोटे टीस्पून से यहाँ पे 1 टीस्पून यहाँ पे ले लिया है गरम मसाला। और ये सभी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद में यहाँ पे एक मैंने टमाटर लिए है, बड़े साइज़ का मैंने एक टमाटर लिया है, इसको मैंने अच्छे से रफली चॉप कर लिया है और इसमें डाल दूँगी, सब्ज़ी में डाल दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए अच्छे से टमाटर ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट भून लूँगी। और इस तरीके से भून लेना है चलाते हुए और ढक दूँगी इसको मैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सब्ज़ी को भून लूँगी। 10 मिनट में सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से जो है
सब्जी ने मसाला ने जो है ऑयल छोड़ दिया है। बहुत अच्छे से सब्जी भुनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको इसी तरीके से 2 मिनट और हाई फ्लेम पे इस तरीके से भून लूँगी और हरा धनिया डाल करके गार्निश कर लूँगी। हरा धनिया से बहुत अच्छी टेस्ट आती है, तो हो तो ज़रूर आप लोग यहाँ पर। काफ़ी अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आलू चेक करके दिखा दूँगी। तो ये देखिए आलू को मैं दिखा देती हूँ चेक करके। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे आलू गोभी पक कर के तैयार है। काफ़ी अच्छे से मसाला भुन गया है और बनकर तैयार है। तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके गार्निश कर लीजिए, बहुत अच्छी टेस्ट आती है हरा धनिया डालने से और बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी यहाँ पे बन करके तैयार है। तो आप लोग गाइस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच सके। मेरे चैनल पर रोज़ एक नई रेसिपी अपलोड होती है तो आप लोग फुल वॉच किया करिए, रोज़ एक नई रेसिपी मिलेगी मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल को लिंक को आप लोग अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर करिए और इसी तरीके से आप लोग के लिए मैं नई नई रेसिपी लाती रहूँगी। आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर कर मेरे चैनल के लिंक को। और मैं रोज़ एक नई रेसिपी लाती रहूँगी, ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोग देखना चाहते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय गाइज़।